आज हम बनाने जा रहे हैं शलगम का भरता। इसके लिए हमने हाफ के जी शलगम लिया है, जिसको छील कर इसके टुकड़े कर लिए हैं और धोकर रख लिया है। यहाँ हमने दो प्याज लिया है, जिसके स्लाइसेस कर लिए हैं। दो टमाटर, इसे भी चॉप कर लिया है। तीन से चार हरी मिर्च, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया। गैस ऑन करेंगे। इस पे एक कुकर रखा, इसमें हमने डाला थोड़ा सा पानी और कटे हुए शलगम। डालेंगे थोड़ा सा नमक और कुकर का ढक्कन बंद करके दो से तीन सीटी लगा लेंगे। शलगम बॉईल हो गया है, इसे चेक कर लेते हैं कि अच्छी तरह पक गया है। यहाँ हमने सारे शलगम को मैश करके रख लिया है। गैस ऑन करके उसमें कढ़ाई चढ़ाएंगे। डालेंगे उसमें मस्टर्ड ऑयल। ऑयल जब तक गर्म होगा, यहाँ हमने थोड़ी सी लहसुन को क्रश करके रख लिया है। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे सरसों के दाने, क्रश किया हुआ लहसुन और थोड़ी देर भून लेंगे। डालेंगे चॉप प्याज और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। डालेंगे थोड़ा सा नमक। प्याज भून गया है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा टमाटर। अब इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला अच्छा भून गया है, अब इसमें हम डालेंगे मैश किए हुए शलगम और शलगम को मसालों के साथ अच्छी तरह से पकाएंगे। शलगम को हम इसका पानी सूखने तक मसालों के साथ भूनेंगे। शलगम मसालों के साथ अच्छी तरह भून गया है। यहाँ हमने हरा धनिया को चॉप कर लिया है, अब इसे हम शलगम में डालेंगे और मिक्स करेंगे। डालेंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर और शलगम का भरता तैयार है। शलगम का स्वादिष्ट भरता बनकर तैयार है।